नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा को वैश्विक आतंकवादी किया घोषित। 2011 में ओसामा की मौत के बाद हमजा अलकायदा का बना था सक्रिय प्रचारक। दुनिया के कई देशों को आतंकी हमले की धमकी दे चुका है हमजा। जनरल रावत के बयान से बौखलाए पाक सेना प्रमुख ने दी भारत को धमकी। पाक सेना प्रमुख ने कहा, पाकिस्तानी सेना भारत के किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए पूरी तरह से है तैयार। उत्तर पश्चिमी सीरिया में अमेरिका ने किए हवाई हमले। हमले में अलकायदा के लगभग 20 आतंकवादी ढेर। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने हमले की दी जानकारी। रिहाई से पहले कराची जेल में दिल का दौरा पड़ने से एक मछुआरे की मौत। पाकिस्तान ने सद्भावना के तहत 218 मछुआरों की रिहाई का किया था ऐलान। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले का रहने वाला था मृतक। काहिरा में मनाया जाएगा विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस का किया जाएगा आयोजन। साल 2006 से ही दुनिया भर में स्थित भारतीय दूतावासों में हर साल मनाया जाता है हिंदी दिवस। और महाभियोग के सुनवाई के दौरान फिर गायब रही दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति। पार्क गुयेन के राष्ट्रपति पद के अधिकारों को पहले ही छीना जा चुका है। पार्क पर है भ्रष्टाचार का आरोप। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।